छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटाए जाने की मांग को लेकर आज छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सभी छात्रों की मंशा इस संबंध में कलेक्टर से मिलने की थी, लेकिन जब उन्हें इतनी संख्या में अंदर जाने को मना कर दिया गया तो वे कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी करने लगे और वहीं धरना देने लगे। छात्रों का कहना था कि उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ अपनी बात कलेक्टर साहब के माध्यम से सीएम साहब तक पहुँचानी है। वहीं छात्र संघ राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, उन्होंने छात्रों का ही गला घोटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में होने वाले छात्र संघ चुनावों के लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई थी, सिर्फ तिथि की घोषणा की जानी बाकी थी। तभी मुख्यमंत्री ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई, जबकि लिंगदोह कमेटी के निर्देश अनुसार हर वर्ष छात्र संघ चुनाव कराया जाना आवश्यक है। इसके बाद 10 छात्रों का शिष्टमंडल कलेक्टर से मिला और उन्हें प्रार्थना ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि छात्र हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने छात्र संघ चुनाव पर लगाई गई रोक हटाकर जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि निश्चित की जाए। गला घोटने का काम कर रहे हैं। यदि छात्र संघ चुनाव आपने बहाल नहीं किया तो दिसंबर 2023 में आपकी सरकार को समस्त छात्र शक्ति आपको जवाब देगी, आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपसे ये अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करें। आप ये मत भूलिए सीएम साहब, आप एक एनएसयूआई के कार्यकर्ता हो और जनरल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से आपने छात्र राजनीति से स्टार्ट की जो आप इस पद तक हो। ठीक, आपका नाम?